हेलो दोस्त, आरआरसी ग्रुप डी लेवल वन बहुत उल्टा पुल्टा हो गया। आरआरसी सेंट्रल रेलवे का जो रिवाइज रिटेन करके रिजल्ट जो आया है, जिसमें 5-6 DB में UR में कैंडिडेट नहीं मिल रहे थे, वो कैंडिडेट रिप्लेसमेंट DB में कम से कम सबसे ज़्यादा कैसे हो सकता है? तो देखिए, हम बोर्ड के सवाल पे तो पहले ही हम लोग बात कर रखे थे कि आरआरसी सेंट्रल रेलवे में कोई कम्युनिटी शिफ्टिंग की बात ही नहीं है, जो ऊपर से नंबर आता है उसका लिया है, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है। और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है, लेकिन एक नया कंडीशन ये जुड़ रहा है कि रिप्लेसमेंट पैनल ही में होते ही PTP क्वालिफाई कहाँ से आ गए? अब ये सवाल आपको काउंट करने पर पता चलेगा। और एक भी रूल दूसरा ये भी हो सकता है कि UR के लोग छोड़े हैं तो UR को ही देगा, क्योंकि उनकी नंबर ज़्यादा थी। तो देखिए, ज़्यादा नंबर है तो फैक्ट है, उनको देना चाहिए। ज़्यादा नंबर वाला के बदले ज़्यादा नंबर वाला को सीट ही मिलना चाहिए। लेकिन वही चीज़ मैं अगर रिवर्स कहूँगा कि अगर OBC वाले ज़्यादा नंबर वाले पे शिफ्ट नहीं कर सकते, तो UR में अगर ज़्यादा नंबर वाला खाली कर गए तो फिर सबको क्यों नहीं मिलेगा, जब SC से नीचे कट ऑफ वाला है या ST से कट ऑफ वाले कैंडिडेट ही बच रहे हैं, बाकी को तो पहले ही जॉब मिल गया। तो जस्टिफिकेशन आपके हाथ में छोड़ता हूँ, मैं किसी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं बोलूँगा। हाँ, मेरा एक ही रहता है कि कम से कम जो गवर्नमेंट ने रूल सेटअप किया है, उस रूल सेटअप की बात करें। अब डाटा का आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे डाटा आने के बाद फिर कटअप देख लीजिएगा। कटअप में भी कई लोग कहे हैं बहुत गलतियाँ हैं पहले के हिसाब से। तो देखिए, ये RRC से आप पूछ सकते हैं, आप कैंडिडेट हैं, आप डायरेक्ट अपना मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, अपनी डिटेल दे के पूछ सकते हैं कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, मेरा नंबर कितना था, इतना नंबर था फिर भी सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, कटअप कितना गया, अभी जो नहीं दिया है वो भी बताएंगे, तो अपने आप एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। इसलिए अभी गलत बातें बोलना सही नहीं है। लेकिन आपको जो डाटा आया है वो मैं आपको डाटा दिखा देता हूँ। मैं अपना इस पर कुछ ना कुछ डाटा शेयर करते रहता हूँ, ये शेयर कर दिया हूँ। रेलवे लाइफ का व्हाट्सएप पे हमने ये बनाया है अपना एक चैनल, इसमें शेयर करना आसान हो जाता है। टेलीग्राम पे भी आसान होता है, यहाँ भी आसान होता है, लेकिन इसका लिंक कहीं भी इजीली पेस्ट हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया हूँ। यहाँ पे मैंने बनाया पूरा 360 लोगों का लिस्ट है। एक मिनट देख लीजिएगा, 360 लोगों का लिस्ट है। और जब हम 4th DB, 5th DB और 6th DB की बात कर रहे थे, तो UR 4th DB में थोड़े थे, 5 में ख़त्म, 6 में ख़त्म हो गए थे, ये ख़त्म होते गए थे। लेकिन यहाँ पे जैसे ही 1st रिप्लेसमेंट DB आया, रिप्लेसमेंट DB और 7th DB भी आया है, यहाँ पे 7th DB में मात्र 14 कैंडिडेट हैं, इसलिए मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। नन PWD का 14 या 15 है और 3 PWD के हैं, तो ये कैंडिडेटों को इग्नोर करके मैं रिप्लेसमेंट की अगर काउंट करता हूँ, तो सीरियल नंबर यहाँ से देखते जाइएगा, सीरियल नंबर भी सबका है DB का। अब ये टेलीग्राम पे, ये आप व्हाट्सएप से ये डाटा डाउनलोड कर सकते हैं, तो इसमें मैं बता दूँ आपको, देखने में थोड़ा सा सुविधा होगा। पहला सीरियल नंबर है, येलो कलर आपका UR है। अगर दूसरे नंबर पे जाएंगे तो ये सीरियल नंबर फिर से शुरू होगा, और दूसरे नंबर पे SC कैंडिडेट हैं, फिर SC के बाद यहाँ पे आपको ST मिलेंगे ये कैंडिडेट, फिर ST कैंडिडेट के बाद आपका OBC मिलेंगे, और OBC के बाद फाइनल EWS मिलेंगे। और EWS के लिए एक बार ताली तो बजनी चाहिए, बहुत इंतज़ार किया लोगों ने, एक भी पैनल में इनका नाम नहीं दिया था, ये जेन्युइनिटी है। तो इस बार कम से कम 47 लोगों को EWS में RRSI सेंट्रल रेलवे मुंबई में मौका मिला है, तो बधाई। और आपको मिलना चाहिए था पहले, वो 360 लिस्ट पूरा होता है, 360 के बाद अगर देखेंगे तो EWS का 42 आपका, और OBC का देखेंगे तो टोटल 86 कैंडिडेट है। उसके बाद आपको बाकी कैंडिडेटों का देखेंगे तो एक एक करके मैं बता दूँ। ST कैंडिडेट के लिए 42 लोग हैं ST से, और यहाँ पे अगर बात करेंगे 61 की बात करेंगे तो आपका SC कम्युनिटी से, और UR का सबसे ज़्यादा 124 है। तब ये समझ सकते हैं कि आपका 124 कहाँ से आ गए, जबकि हमने, मुझे पूरी याद है कि 4th या 5th DB की एनालिसिस हम कर रहे थे तो UR क्वालिफाई करीब करीब 100-150 के आसपास थे। तो क्या सबके सब ले लिया, ख़त्म कर दिया? और 100-150 थे, लेकिन कुछ उस DB में भी 50-55 थे, तो हमें लग रहा था कि ये लिस्ट ख़त्म हो गई, एग्जस्ट हो गई PT क्वालिफाई। लेकिन अगर इस बार हमें 124 दिख रहा है, तो मुझे लग रहा है कि मेरा एनालिसिस गलत था। क्या हमने PT क्वालिफाई
गिना था वो गलत था क्या, तो एक बार डाटा आप भी पीटी क्वालिफाई वाला चेक कर लेंगे कि कोई ऐसा रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर मिल रहा है जो पीटी पास में है या नहीं है, ये भी एक फैक्टर बन सकता है। बाकी और कम्युनिटी में भी ऐसा हुआ है, कई बार ओबीसी के साथ हुआ है, कैंडिडेट पीटी क्वालिफाई नहीं है तभी उसका नाम में लिस्ट है, बाद में पैनल आने पर हटाया गया, ऐसे ऐसे केस भी बनते हैं, तो यहाँ भी संभावना हो सकती है, एक बार ध्यान से आप देख सकते हैं। बाकी आप कैंडिडेट हैं, मैं सहानुभूति हर कैंडिडेट के पास है, सर कैंडिडेट को जॉब चाहिए चाहे वो यूआर से हो, चाहे एससी से हो, एसटी से हो, ओबीसी से हो, या ईडब्ल्यूएस का जो इस बार पहली बार मौका मिला है उनके लिए हो। थैंक यू, धन्यवाद।